सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और गाइस, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि कल ही न्यू OB46 का अपडेट आया हुआ है। और इस अपडेट में गाइस, मैंने बहुत सारे भाइयों का कमेंट पढ़ा कि हेडशॉट लग नहीं रहा, इसलिए गाइस आज मैं हेडशॉट सेटिंग लेके आया हूँ। एकदम धमाकेदार हेडशॉट सेटिंग, जिससे कि आपका एकदम मस्त हेडशॉट लगेगा। हेडशॉट सेटिंग और सेंसिविटी, फायर बटन कितना रखना है, सेंसिविटी कितना रखना है, कितना जीबी रैम में कितना रखना चाहिए, सब ले के सब इस वीडियो में बताऊंगा गाइस। वीडियो को एंड तक देखो। तब तक मैं आपको 30-40 सेकेंड का एक छोटा मोटा क्लिप दिखाता हूँ हेडशॉट का, उसके बाद आगे आपको मैं सेटिंग बताऊंगा। ओके, तो गाइस अभी आपने देख ही लिया होगा कि मेरा किस तरह का हेडशॉट लग रहा है। आप लोग अभी इसी तरह से हेडशॉट लग सकता है, बस आपको मेरा सेटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको अब अपनी सेटिंग की तरफ ले जाता हूँ। अगर गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो गाइस। इस वीडियो को 50K लाइक टारगेट रखते हैं गाइस, 50K लाइक कम्प्लीट कर देना। चलिए गाइस मैं आपको अपना सेटिंग की तरफ ले जाता हूँ। आपको सबसे पहले तो अपना सेंसिटिविटी मिलाना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले 2GB के सेंसिटिविटी के बारे में बता देता हूँ। 2GB में आपको रखना है, जनरल को रख देना आप लोग 90 के आसपास, और रेड डॉट को रख देना 50 के अराउंड रख देना इसको। और 2S को तो गाइस आप लोग ज़्यादा कम मत करना है इसको, 80 के पास रख देना, 80-81 के। और इसको कम कर सकते गाइस आप, इसको कम कर सकते हो 120 में रख देना। और गाइस इसका तो वैसे कुछ काम नहीं होता ज़्यादा स्नैपर को, जो स्नैपर यूज़ करते हैं उसके लिए ही तो इसको इतना। और गाइस 3 को आप 100 करके रखना, 2GB रैम के लगाइए। और कंट्रोल्स में जाके तो ये सब तो करना नहीं पड़ता कुछ भी गाइस। कस्टम हट में जाएंगे तो आपको ये फायर बटन है ना गाइस, इस फायर बटन को चेंज करना पड़ेगा। इस फायर बटन को आपको रखना पड़ेगा 2GB रैम में 60 के आसपास रखने का आपका हेडशॉट लग सकता है। और गाइस इसको ना नीचे मत रखना, सबसे ऊपर इधर ऊपर के आसपास रखना। अगर आपका फिर मैक्स तो इस डब्बे के आसपास रखना, इधर रखना इसको और सेव कर देना, फिर देखना आपका कैसे हेडशॉट लगेगा। और गाइस 6GB रैम के बारे में बताता हूँ, अब 6GB में कितना रखना चाहिए। 6GB में आपको ये रखना है 150 के आसपास, ये हो गया 150। और इसको रखना है, इसको आप तो 100 रख दो, 100 के आसपास रख देना इसको, मेरा इधर आगे पीछे हो रहा है कोई बात नहीं, 100 रख देना। और इसको भी 150-35 इतना रख देना। और इसको भी इसको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा भाई, 6GB में इतना रख देना। और फिर को कम करना, स्नैपर को रखना है, फिर को 150 रखना। और फाइव बटन साइड में जाएंगे तो फाइव बटन रख देना आप 44 बेस्ट होता है 6GB रैम के लिए। 6GB और 4GB रैम के लिए सेंसिटिविटी यूज़ करना है आप लोग। और गाइस आप लोग का हेडशॉट नहीं लगा तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं उसी मोबाइल का हेडशॉट का सेंसिटिविटी लेके आ जाऊँगा। आप लोग अपना मोबाइल का कमेंट करना, मोबाइल पे कौन से मोबाइल पे आप गेम खेलते हो उस मोबाइल का नाम लिख के कमेंट करना, मैं उसी मोबाइल का आपको सेंसिटिविटी लेके आऊँगा। और गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।